तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो माइक्रो फाइनेंस सेक्शनेट कंपनी को चाहिए होता है, उस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, आप ये वीडियो उनको डायरेक्ट लिंक शेयर कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से आप देख लीजिए कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। क्योंकि दोस्तों पर्सनली हम सभी पर्सन को ये नहीं बता सकते कि किस तरीके से फिल किया जाता है, तो ये एक तरीके से डेमो वीडियो है कि फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है, गाइडेंस वीडियो समझ लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आता है एप्लीकेशन नंबर या फिर सीरियल नंबर ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये जो सीरियल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर है ये किसको पता होगा दोस्तों? ये कंपनी को ही पता होगा, क्योंकि कंपनी का क्या सीरियल नंबर चल रहा है ये तो उन्हीं को पता होगा। तो ये कंपनी को ही बनना है। अगर आप कंपनी के पर्सन हैं तो आपको पता होगा कि हमारा क्या सीरियल नंबर चल रहा है, ये आपको फिलअप करना है। जैसे कि अगर आपका कोई फर्स्ट कस्टमर लोन लेने के लिए आया है तो आपको सीरियल नंबर 01 इस तरीके से भरना है। आपको प्रिंट निकाल करके पेन से ये फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको 10-20 फॉर्म प्रिंट निकाल करके ही अपने पास रखने हैं, और जो भी कस्टमर आपके पास लोन लेने के लिए आएंगे उनका भरना है। आपको पेन से 01 इस तरीके से भरना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ब्रांच एक से ज़्यादा है तो आपको उस ब्रांच का नाम लिखना है। अगर आपको ब्रांच वगैरह नहीं है तो आप हेड ऑफिस से ही काम कर रहे हैं तो आप सिंपली इसमें लिख देंगे जिस भी प्लेस में आपका हेड ऑफिस है। जैसे कि अगर आपका मान लो जनकपुरी दिल्ली में है तो आप लिख देंगे, मतलब एड्रेस पूरा यहाँ पर नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख देंगे जनकपुरी दिल्ली हेड ऑफिस। अगर ये फॉर्म किसी आपकी ब्रांच से भरा जा रहा है, जैसे कि मान लो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है जनकपुरी दिल्ली में और आपकी एक ब्रांच है गोरखपुर में, तो आप लिख देंगे गोरखपुर ब्रांच, ठीक है। ये पेन से ही आपको लिखना है, कैपिटल लेटर मैक्सिमम आपको यूज करने हैं, क्योंकि स्मॉल लेटर में कई लोगों की राइटिंग से समझ नहीं आता है। ब्रांच की यहाँ पर दोस्तों हमें आईडी डालनी है, जैसे कि आप बैंक होते हैं ना, कुछ आईडी बना देते हैं अपनी ब्रांचेज की, वैसे ही आपको भी अपनी, ये हमसे आपको डिस्कस नहीं करना, ये खुद से ही आप अपनी आईडी बना सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए बना सकते हैं RO01, ठीक है, यानी RO का मतलब होगा रजिस्टर्ड ऑफिस 01, ठीक है। और जैसे आपकी कोई ब्रांच है ब्रांच ऑफिस 1, तो आप लिख सकते हैं ब्रांच ऑफिस 01, ब्रांच ऑफिस 02। इसकी डिटेल आपको एक एक्सेल में मेंटेन करनी है कि ब्रांच ऑफिस 02 किसका कोड है, कौन सी वाली ब्रांच का है। ब्रांच ऑफिस BO01 किसका कोड है दोस्तों? गोरखपुर वाली ब्रांच का है। BO02 किसका कोड है? नोएडा वाली ब्रांच का। BO03 किसका कोड है? गाजियाबाद वाली ब्रांच का। तो यहाँ पर आपको वही उसी का नाम लिखना है, उसी का यहाँ पर कोड डालना है, ये कोड आपको अपने आप से बनाना है। एप्लीकेंट का दोस्तों यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी कस्टमर लोन लेने के लिए आ रहा है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। LG नेम और कोड क्या है दोस्तों? ये आपके शहर का कोड है और उसका फोन कोड जो होता है ना वो है। जैसे कि मान लो जैसे दिल्ली का तो हम एक ही 011 लगाते हैं, नोएडा का 012, इस तरीके 0120। तो जिस भी आपके जगह का फोन कोड होता है, जैसे अमरोहा, मुरादाबाद, गोरखपुर, कानपुर या पुणे या बेंगलोर का लगा लो, तो वहाँ का प्लेस का नाम एंड देन हमें कोड वहाँ पर मेंशन करना है। कितने अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट की है एप्लीकेंट ने? आपको पता है कि अगर अनसिक्योर्ड लोन कोई ले रहा है इनकेस ऑफ सेक्शनेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो दोस्तों 50,000 तक का हम अमाउंट यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो कोई हाउस ड्वेलिंग के लिए, घर बनाने के लिए या फिर दुकान वगैरह अपनी बनाने के लिए ले रहा है, तो हम 1,25,000 तक का लोन उसको ले सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें मैंसन करना होगा। टेन्यूर ऑफ लोन, कितने पीरियड के लिए लोन ले रहा है? जैसे कि मान लो दोस्तों वो 2 साल के लिए ले रहा है, या फिर यहाँ पे हमें जब साल में लिखना होगा ना, तो यहाँ पर 24 मंथ, या फिर हमें इस तरीके से ही मेंशन करना है, मंथ या वीक की फॉर्म में मेंशन करना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट में लिख देना है 2 ईयर, ठीक है, इस तरीके से कुछ हम लिख देंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पर्पज ऑफ लोन, क्या किस पर्पज के लिए लोन ले रहा है, यानी कि ड्वेलिंग घर बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, या फिर अनसिक्योर्ड लोन फॉर बिजनेस पर्पज, तो यहाँ हम लिख देंगे अनसिक्योर्ड लोन फॉर बिजनेस पर्पज, ठीक है दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन फॉर बिजनेस पर्पज। पेन से हमें लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर अनसिक्योर्ड लोन फॉर बिजनेस पर्पज के लिए क्या हम चेक वगैरह एडवांस उनसे साइंड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, चेक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का फोटो चिपकाना है और इस वाले बॉक्स में एप्लीकेंट से साइन कराने हैं, बिना क्रॉस के वैसे ही आप साइन कराने हैं। और यहाँ पर गारंटर जो भी होगा, कम से कम एक गारंटर बनाना जरूरी होता है, तो यहाँ पर गारंटर का फोटो और गारंटर के साइन। अब यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेंट का नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, अगर उसका कोई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम है, मिडल नेम लास्ट नेम है ही नहीं, तो हमें ये करना है, ये ब्लैंक छोड़ करके यहाँ पर हमें डैश कर देना है सिंपली इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। वैसे हमें गारंटर का भी फिल करना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, गारंटर की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल है वो यहाँ पर मैंशन करना है, मैरिटल स्टेटस यानी कि वो शादीशुदा है या फिर नहीं है, तो अनमैरिड या मैरिड जैसे हैं वैसे लिख सकते हैं। उनके किसी गार्जियन का नाम, फादर का नाम या फिर स्पाउस का नाम, जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं यहाँ पर पहले टिक कर देंगे, उसके बाद ही नाम लिखेंगे। रिलीजन क्या है, मतलब रिलीजन का मतलब होता है धर्म, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें से कोई है तो वो लिख देना है। आधार नंबर एप्लीकेंट का क्या है, गारंटर का क्या है, पैन नंबर एप्लीकेंट का क्या है, गारंटर का क्या है, वोटर आईडी नंबर, कम से कम दोस्तों 2 आईडी लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सारी आईडी दी गई है, तो कम से कम आपको 2 आईडी लेना जरूरी है। एक है पैन नंबर मैंडेटरी है और दूसरा है आधार नंबर। अगर आप ये 2 आईडी ले लेते हैं तो वो मैंडेटरी है, लेकिन पैन नंबर हर किसी के केस में मैंडेटरी है। अगर उसके पास पैन नहीं है तो आप उससे पहले पैन कार्ड मंगाएं तभी उसको लोन दें। और आधार की जगह अगर आधार नहीं है तो आप वोटर आईडी या DLV ले सकते हैं, लेकिन पैन जरूर लेना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है दोनों का कंपलसरी। और इस फॉर्म के साथ साथ प्लीज एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, पैन, वोटर आईडी, DL, यानी दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एक 2 आईडी की, यानी कि एक पैन कार्ड हो गया और एक आधार, वोटर आईडी और DL में से कोई लेना है, तो सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ में लगानी है। अब बात आती है एड्रेस की, एप्लीकेंट का एड्रेस क्या होगा, गारंटर का क्या एड्रेस होगा, तो ये हमें प्रॉपर मेंशन कर देना, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, इस तरीके से पूरा एड्रेस हमें मेंशन कर देना है। अब दोस्तों बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि वो जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है, उसकी यहाँ पर हमें डिटेल डालनी है। जैसे कई लोग होता है सैलरीड पर्सन होते हैं, फिर भी वो आपसे लोन लेना चाहते हैं कि सर हमें कुछ पर्सनल लोन चाहिए, या फिर सर हमें छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जॉब के साथ में, वो हमें चाहिए। अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वहां पर क्या लिखना है दोस्तों, डेजिग्नेशन एंड एम्प्लॉय कोड। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी डेजिग्नेशन, मतलब किस कंपनी में है उसकी डेजिग्नेशन, जैसे वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है या फिर वो क्या है मैनेजर है या फिर वो क्या है टेलीकॉलर है या फिर क्या है अकाउंटेंट है या फिर वो क्या है डायरेक्टर है, उसकी डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय कोड यहाँ पर लिख देना है। और एम्प्लॉयर का नाम, किस कंपनी में वो है, उस कंपनी का नाम या उस कंपनी के जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर का भी नाम लिख सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, यह उसका यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस कंपनी में उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। नेम ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर, इस कंपनी से पहले वो कहाँ काम करता था उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस उसको कितना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। रिपोर्टिंग मैनेजर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, उसका आप यहाँ पर नाम और फोन नंबर उससे पूछ कर लिख सकते हैं, आपका काम नहीं है, उस बंदे से पूछ करके लिख सकते हैं, या फिर आप उसको भी फॉर्म दे दें, वो खुद से इस फॉर्म को फिल करके देगा। ग्रोस सैलरी दोस्तों उसकी क्या है, नेट सैलरी क्या है, तो ये हमें लिखनी होगी, जो भी हमारे साल की यहाँ पर सैलरी लिखनी है, एनुअल लिखनी है, कभी आप बार बार हमसे ना पूछें, क्योंकि पूरे साल में कितनी सैलरी उसकी ग्रोस होती है आईटीआर के हिसाब से और कितनी सैलरी उसकी नेट होती है आईटीआर के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और आप कहेंगे सर अगर कोई पर्सन बिजनेस में है, वो सैलरी में है ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं है, तो उसका हम किस तरीके से लिखेंगे, तो दोस्तों उसका सिंपली यहाँ पर आपको डैश करके इस फॉर्म में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, इस फॉर्म में डैश लगा ओब्लिक लगा करके यहाँ पर लिख देना है कि प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस, वो प्रोप्राइटर है इस बिजनेस का, और एम्प्लॉयर नेम में यहाँ पर कर दें कि वो बिजनेसमैन है, इस तरीके से मतलब हम कुछ चेंज करके इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रोस सैलरी नेट सैलरी की जगह हम उसकी ग्रोस इनकम और नेट इनकम यहाँ पर दिखा सकते हैं। रिपोर्टिंग मैनेजर में अगर वो पहले कहीं जॉब पर था उसकी डिटेल, अगर वो शुरू से ही बिजनेस में है तो यहाँ पर उसके किसी एम्प्लॉय की या जो मैनेजर है या उसके किसी फादर मदर का यहाँ पर फोन नंबर हम लिख सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस बिजनेस में भी कितना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रीवियस एम्प्लॉय यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और प्रेजेंट कंपनी की जगह हम प्रेजेंट बिजनेस में कब से वो कर रहा है स्टार्टिंग डेट यहाँ पर लिख सकते हैं।
आउटस्टैंडिंग लोन डिटेल्स फ्रॉम अनदर बैंक कंपनी, तो किसी दूसरी कंपनी या फिर बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर ले डालनी होगी। जैसे हाउसिंग लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, अदर कोई लोन है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर उस कंपनी का नाम भी हम छोटा सा लिख देंगे साइड में, ठीक है दोस्तों, जिससे कि हम पता कर सकें कि उस कंपनी के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, और ये भी पता कर सकें कि भाई ये पिछले वाले लोन की किस्तें ईएमआई इंस्टॉलमेंट टाइम से चुका रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं चुका रहा है तो हम उसको लोन क्यों दें, या फिर हम थोड़ा सा उस केस में वो कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई भी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस साइन करेंगे। लेकिन जो भी आप कस्टमर हैं, अगर आप ये अपना खुद के लिए वीडियो देख रहे हैं, आप खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपका कोई लोन पेंडिंग है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप जरूर फिल करें। कोई भी डिटेल आप हाइड ना करें, छिपाए नहीं। अगर आप कोई भी डिटेल छिपाते हैं दोस्तों, तो ये फॉर्म आप खुद से साइन कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके ऊपर केस हो सकता है, लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। तो जो एक्चुअल डिटेल है, सही है, सत्य है, वही आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर, जो भी कस्टमर हैं उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर बैंक कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, आईएफएससी कोड क्या है, जिससे कि आप लोन अकाउंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में करें। कैश में आप लोन कम से कम दें, बहुत रेयर केसेस में दें, नहीं तो बैंक से ही लोन बैंक टू बैंक ज़्यादा ट्रांसफर करें, जिससे कि आपके पास भी प्रूफ रहे कि भाई उन लोगों ने लोन लिया है, और प्रूफ रहे उनके अकाउंट में, आपने सोचेंगे आपने इस पर्सन को लोन दिया है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाती है कि मैंने आई और बी डिक्लेयर दैट ऑल पर्टिकुलर्स एंड इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन आर ट्रू। ये देख रहे हैं, ट्रू मतलब सत्य है, करेक्ट सही है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, एंड अप टू डेट, यानी कि मेरा एड्रेस जो आज है मैंने वही दिया है, मैंने पुराने वाला अपना एड्रेस नहीं दिया है, जहां मैं आज जॉब कर रहा हूँ मैंने वही दी है। मैं ऐसा नहीं कि पिछले वाली जॉब की मैंने डिटेल दे दी है। मेरे जो मैनेजर का फोन नंबर है वो मैंने आज जो करंट में है वो ही दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर वो तो 2 महीने पहले चेंज हो गया था, सर मुझे नहीं पता था, अप टू डेट डिटेल होनी चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट। तो दोस्तों अगर आप कोई भी डिटेल छिपाते हैं, हाइड करते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप फ्रॉड करने की इंटेंशन थी आपकी शुरू से ही। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल हैं, आप पढ़ करके, अगर ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप नाम जो है उसका प्रॉपरली चेंज कर लें, प्रॉपरली पढ़ना है, और आपने अपनी कंपनी के हिसाब से चेंज कराना है। अगर आप हमारे थ्रू अपनी कंपनी के लिए इस तरीके का फॉर्म ड्राफ्ट कराना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट कॉल डायरेक्टली, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, सर हमें इस पर्पज के लिए मैंने व्हाट्सएप किया है, तो आपका कितना चार्जेज होगा, हम ये आपको ड्राफ्ट करके दे देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज इस फॉर्म को ड्राफ्ट करने का चार्जेज होगा, या फिर आप 200 में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप से रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर डिटेल है, और अगर आप कोई भी डिटेल छुपाते हैं या फिर ईएमआई में डिले करते हैं, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में 1 to 7 days का डिले किया तो आप पे 100 रुपये की, 100 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। अगर 7 से 10 दिन का डिले किया तो आप पे 200 रुपये की दोस्तों पेनल्टी लग सकती है। अगर 10 दिन से ज़्यादा का डिले किया तो जो आपने चेक वगैरह दे रखे हैं, कंपनी जो है उन चेक को बैंक में इनकैश करने के लिए डाल सकती है, और आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, यानी कि कोर्ट में केस कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमारी सेक्शन 8 कंपनी लीगल है कोर्ट में केस करने के लिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल है। सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, और आपको पेनालाइज किया जा सकता है, आपसे लीगल तरीके से वसूली की जा सकती है। तो आपके इंटेंशन सही होनी चाहिए। और दोस्तों तो ये फॉर्म है सारा का सारा, यहाँ पर एप्लीकेंट के साइन हो जाएंगे और यहाँ पर गारंटर के साइन हो जाएंगे, डेट प्लेस, और यहाँ पर जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं या ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनके साइन और स्टैम्प यहाँ पर होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम पर्सन की दोबारा से साइन होंगे स्टैम्प के साथ में, मेरे सामने आवेदक और गारंटर द्वारा हस्तांतरित है, यानी कि ये यहाँ पर एप्लीकेंट और गारंटर ने मेरे सामने ही साइन किए हैं, ऐसा ये पर्सन लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ और कंडीशन वगैरह भी दी गई हैं, तो ये आप चाहें तो अलग से ले सकते हैं। फॉर्म हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है 6 पेजेस का, 6 पेजेस का हमारा फॉर्म ये है। तो आई होप आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है इसकी जानकारी हो गई होगी। लेकिन अगर आपकी अभी भी कोई डाउट है, कोई क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं।